हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये देखिए, हमने रिबन से बनाया है इसे। इसे बनाना बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी। सिर्फ दो चीज़ के यूज़ से हमने बनाया है। एक तो हमने रिबन यूज़ किया है और एक हमने ये येलो कलर में लेस यूज़ की है। इसकी जगह पर आप कोई भी पतली सी लेस यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप रिबन ही यूज़ कर सकते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी। अगर आप बिगनर हैं तो भी बना लेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस, अगर आपको अपने गोपाल जी का नंबर नहीं पता है तो भी आप ये पोशाक बना सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने ये पोशाक गोपाल जी की पुरानी पोशाक को मेज़र करके बनाया है, और वीडियो के अंत में गोपाल जी को पहना के भी दिखा दिया है, तो आप वीडियो पूरी देखिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहाँ पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं गोपाल जी के लिए ये ब्यूटीफुल सी समर ड्रेस। ये देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे अपने कान्हा जी की एक पुरानी पोशाक ले ली है, और यहाँ पर हमने लिया है न्यूज़पेपर। तो हम क्या करेंगे, इस पर ये पोशाक रखेंगे और मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ऐसे करके हमें राउंड में मार्क करना है। तो ये हम यहाँ से ऐसे मार्क कर रहे हैं। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस, अगर आप बिगनर हैं तो भी आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। तो ये हमने मार्क कर लिया, और अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इसे कट कर देते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पे इसे कट कर लिया है, और अब हमने यहाँ पे ये दो कलर में रिबन लिया है। ये देखिए, एक येलो कलर का है और एक हमने वाइट कलर में लिया है। हमें क्या करना है, इसे आप एक बार यहाँ से ऐसे मोड़ लें, और मोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लंबाई है, ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक जितनी भी लंबाई है, इतनी ही लंबाई का हमें रिबन कट करना है। ऐसे ही हमें कई सारे पीसेस कट करने होंगे रिबन के। ये देखिए, फिर हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे मेज़र करेंगे और कट कर लेंगे। ऐसे ही हमें वाइट कलर वाले को भी कट करना है, सेम मेज़रमेंट का। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक ऐसे मेज़र करेंगे और ये कट कर लेंगे। ये हमने हाफ़ इंच का रिबन लिया है, क्योंकि मेरे पास हाफ इंच का ही था। आप चाहें तो इसकी जगह पे एक इंच का रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखिए, ये हमने कट किया है, तीन चार पीस कट किया है, काफ़ी सारा हमें कट करना होगा। लगा के दिखाती हूँ कि कैसे लगाना है। ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे लगाएंगे, फिर यहाँ पे इसके ऊपर हल्का सा चढ़ा के इसको रखेंगे, और सिलना है। हमें यहाँ से सिलाई लगानी है, और मशीन से हम सिलाई लगाएंगे, और कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारा पेपर फटेगा नहीं, हम इजीली सिलाई लगा लेंगे। बट मशीन की सिलाई को आप थोड़ा छोटा करके लगाएं। ये देखिए, यहाँ से बस हमें नीचे से हाफ हाफ इंच, ये देखिए, सिलना है। यहाँ से हम हल्का हल्का सा मार्जिन देंगे 0.25 इंच का, और नीचे से हम सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही हमें ये पूरे सर्कल पे लगाना है रिबन। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे सिल दिया है, ये सारी स्ट्रिप हमारी लग गई हैं। अब हम क्या करेंगे, कहीं भी हम एक जगह से स्टार्ट करेंगे, इसे ऐसे पलट देते हैं। ये देखिए, आप कहीं से भी यहाँ से स्टार्ट करें, और ये सारे स्ट्रिप को एक पे एक ऐसे सेट करना है हमें। ये देखिए, यहाँ से हमें ये पहले येलो आई, फिर येलो के बाद हम वाइट, फिर येलो, फिर वाइट, फिर येलो, और फिर वाइट, ऐसे करके हम सेट करके ये पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे पहले इसे पिन से सेट किया हुआ है। ये देखिए, इसे ये आपको बहुत इजी हो जाएगा, डायरेक्ट मशीन में करने से अच्छा है कि आप पहले पिन से सेट कर लें, और उसके बाद ये देखिए आपको राउंड मिल जाएगा, और इसी राउंड पे आप एक सिलाई लगा लें। चलिए मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाऊंगी क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पे
सिलाई लगा दी है ये राउंड पे, और यहाँ पे भी हमने सिलाई लगा दी है दो। इसके बीच में से हम कट करेंगे जिसे हमें पहनाने में इजी हो। बट उसके पहले हमने यहाँ पे ये कॉटन की लेस ली है येलो कलर में, इसे हम लगाएंगे जिसे हमारा नीचे से सिक्योर हो जाए। तो देखिए कैसे लगाना है, यहाँ से सिंपल सा बस ऐसे रख के हम सिल देंगे। तो चलिए हम ये लेस लगा लेते हैं, फिर आगे आपको दिखाएंगे क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये लेस अटैच कर दी है। अब हम यहाँ इसे बीच से कट करेंगे। यहाँ से कट करने के बाद हमें यहाँ राउंड पे कट करना है, ये हमारी कमर हो जाएगी। हमें अपनी सिलाई को बचा के कट करना है, अगर सिलाई कट कर देंगे तो पूरा ये खुल जाएगा। फिर ये देखिए ये हमारी कमर हो गई है यहाँ पे। अब देखिए हमें क्या करना है, हम यहाँ पे ये देखिए डोरी लेंगे और इसे हम यहाँ से लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे रख के हमें मशीन से सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। ये पूरे राउंड पे रख के सिल देंगे और उसके बाद हम अपनी ये वाली लेस लेंगे और इसे हम यहाँ से ऐसे करके सिलेंगे। ये पूरे राउंड पे आते हुए हमें लगाना है, ऐसे पूरे राउंड पे आएंगे और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक। तो हमारी डोरी भी कवर हो जाएगी और यहाँ पे हमारी लेस भी लग जाएगी। चलिए हम इतना काम करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे कि चोली कैसे बनानी है। ये देखिए हमने यहाँ पे ये लेस अटैच कर दी, डोरी लगा दी। अब हम क्या करेंगे, पीछे से ये पेपर फाड़ के हटा देंगे। ये देखिए कहीं से भी आप ऐसे करके निकाल दें और पेपर की वजह से ये हमारा पूरा सेट हो गया है। गर्मियों के लिए एकदम कम्फर्टेबल है। ये देखिए कितना खुला खुला है पूरा ये सब, तो इसमें से पूरी अच्छे से हवा पास होगी, गोपाल जी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें जो थोड़ा बहुत पेपर रह जाएगा वो जब हम इसे धुलेंगे तो अपने आप निकल जाएगा। ये देखिए ये सिलाई के पास थोड़ा थोड़ा रह गया है, तो जब हम धुलेंगे तो ये निकल आएगा। देखिए हमारी ड्रेस वैसे की वैसे ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं गोपाल जी को पहना के दिखा दूँगी, बहुत ही खूबसूरत लग रही है और कलर कॉम्बिनेशन भी अच्छा है। अब हमने गोपाल जी की पुरानी पोशाक ले ली है चोली की मेज़रमेंट के लिए, इससे हम चोली मेज़र करेंगे गोपाल जी की। तो ये देखिए यहाँ से मेज़र करना है, ये है हमारा 2.1 इंच, 2.1 नहीं है ये 2.5 इंच से 1 पॉइंट अधिक है। ये देखिए तो यहीं से हम इसे मोड़ लेंगे जिससे हमें इसका डबल पता चले। तो 5.25 इंच आ रहा है, हाफ हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा तो हम 1 इंच एक्स्ट्रा कर लेंगे, मतलब 6.25 इंच। तो 6.25 इंच एक साइड की चोली और 6.25 इंच एक साइड की। तो हमने यहाँ देखिए क्या किया है, ये हमने 6.25 इंच लंबाई का ये एक लेस कट किया है और एक वाइट रिबन, एक येलो रिबन और तीनों को यहाँ से सिल दिया है। यही हमें करना है बस, और यहाँ से हम इसे ऐसे करके सिल देंगे। तो ये हमारे एक साइड की चोली हो जाएगी और सेम तरीके से हमने दूसरे साइड की भी बनाई है। तो दोनों को यहाँ पे ऐसे रख के सिल देंगे। चलिए सिल लेते हैं, फिर गोपाल जी को पहना के दिखाएंगे कि ये पहनने के बाद पोशाक कैसी लगेगी। अब देखिए हमने यहाँ पे गोपाल जी को ले लिया है, तो इन्हें हम इनकी पोशाक पहना देंगे। तो चोली हमें देखिए कैसे पहनानी है, 3 स्ट्रिप एक साइड है, 3 स्ट्रिप एक साइड है। तो ये ऐसे करके हम पीछे से क्रॉस कर देंगे। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ये देखिए, और फिर हम यहाँ से इसे बांध लेंगे, कमर पे बांध देना है हमें बस। यहाँ से हमें ये चोली थोड़ी थोड़ी सी ऐसे करके सेट करनी होगी जिससे हमारा तीनों कलर थोड़ा थोड़ा सा दिखे।
बस हो गया। तो चलिए मैं सामने से दिखाती हूँ कि पोशाक कैसी लग रही है गोपाल जी के ऊपर। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे गोपाल जी को पोशाक पहना दी है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। हमने एकदम सिंपल वे में बनाया है, ये देखिए सिर्फ रिबन से आप बना सकते हैं बहुत ही इजीली। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।